रावण की जो सोने की लंका थी वो बेसिकली रावण की नहीं थी, वो कुबेर की थी। पुष्पक विमान भी कुबेर के ही पास था जो रावण ने छीन लिया था। अच्छा। और रावण शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो रावण कुबेर का भाई है। अच्छा। यस सर। तो इसकी शिकायत जब वो अपने पिता से करते हैं तो पिता उनको समझाते हैं कि तुम यक्ष हो, तुम्हारा रहना यहाँ सही नहीं है। अब तुम जितना भी वर्ष में जितना भी कलेक्शन करोगे वो वर्ष में एक दिन आके रावण तुमसे फिर छीन लिया करेगा। तो कुबेर रावण से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो श्रीलंका से हिमालय तक की दूरी तय करते हैं और वहाँ हिमालय की ऊंचाइयों पे अलकापुरी बसाते हैं और वहाँ पे वो अपना नाम मणिभद्र रखते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम खजुराहो से लगभग 15 किलोमीटर दूर एमपीटी कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट में है। जब मैं यहाँ पर आया था ना तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप क्या करो, खजुराहो में ना रुककर यहाँ पे रुको, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। और सच में बताऊँ अच्छा हो गया मैं यहाँ पर आया। ये चारों तरफ हमारी एक बड़ी सी वाटर बॉडी है, इस पर डैम है, तो एक्चुअली में कुटनी डैम है। और ये रिजॉर्ट बड़ा प्यारा लगा है मेरे को हर लिहाज से। पहली बात है इनकी प्रॉपर्टी साइज़ बड़ा है, रूम स्पेशियस है। मैंने छोटा सा रूम का भी वीडियो रात में बनाया था और हरीश बाली ट्रैवल्स में भी हमने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, वो भी आप देखिएगा। ये अलग अलग कॉटेजेस हैं, जैसे एक यहाँ ऐसा करके इनके पास 10 या 12 रूम्स हैं। ऊपर की तरफ रेस्टोरेंट है, बीच में लॉन है, बड़ा ही अमेजिंग सी जगह है। हाँ ये है, मैंने हल्का सा रेफरेंस पहले भी दिया था कि यहाँ ना क्योंकि वाटर बॉडी पूरा सराउंड कर रही है तो जाले बन जाते हैं और रोज़ सफाई होती रहती है उसके बावजूद भी जाले बन जाते हैं, तो वो आपको एकदम विजिबल होंगे। ऐसे पौधे के बगल में बन जाएंगे, कभी पैसेज पे बन जाएंगे और ये रोज़ क्लीन करते रहते हैं। मज़ा खूब आ रहा है मेरे को यहाँ पे आके। कल तो 9:30 बजे रात को आए थे तो हमने व्यू देखा ही नहीं कि कैसा दिख रहा है, लेकिन आज मॉर्निंग में जब मैं उठा मैंने तब भी देखा, अभी भी देख रहा हूँ। और साथ में इनके यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी है, मैंने पता लगाया था स्पीड बोट का ये लोग 525 रुपये लेते हैं, 3 लोग का चार्ज होता है, वो एक 5 से 7 मिनट का राउंड करते हैं। सर मैं आपको कह रहा था ना कि ये आइलैंड पे प्रॉपर्टी है, तो ये ब्रिज बनाया है वहाँ से आइलैंड आने के लिए, तो इस पर भी हल्की हल्की वॉक करो ना तो बड़ा मस्त लगता है, क्योंकि नीचे पानी है, उधर सामने डैम बनाया है, बेसिकली सिंचाई के लिए पानी देने के लिए डैम बनता है ना। खजुराहो में वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स के हम ना अंदर आ चुके हैं। आपकी मैं मुलाकात घनश्याम जी से करवा रहा हूँ, तो आप हमें गाइड करेंगे। नमस्ते घनश्याम जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप कब से एज ए गाइड काम कर रहे हैं? हाँ सर, 2014 में मुझे लाइसेंस मिला था और जब से मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहा हूँ। फैंटास्टिक। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम जैसे से आगे विजिट करेंगे जी सर, ये पूरे टेम्पल स्ट्रक्चर को समझते जाएंगे। यस सर। ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं, महाराजा धंग वर्मन के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया। जैसे कि काशी में विश्वनाथ है, वैसे ही ये मंदिर जो है ये खजुराहो का विश्वनाथ टेम्पल है और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है ये मंदिर। सारे मंदिर जो हैं माना जाता है कि एक ही डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए और वो थे चंद्रेल। चंद्रेल से फिर ये नाम चंदेल हो गया। चंदेल देवर राजपूत फ्रीडम फाइटर्स थे, कभी ये प्रतिहार डायनेस्टी के सामंत हुआ करते थे। अच्छा। यस सर। और प्रतिहार डायनेस्टी मतलब 5th से 7th सेंचुरी? यस सर। और चंदेलाज मतलब 9th to 11th 12th सेंचुरी? 12th सेंचुरी। यस सर। बड़ी पुरानी बात हो रही है, सोचो हम यस सर 1000 से 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं सर। तो आज जो हम टेंपल्स देख रहे हैं सोचिए कितने प्राचीन मंदिर हैं। बिल्कुल सर। कोई मंदिर 1100 वर्ष अपने पूरे कर चुका है, कोई 1000 वर्ष, तभी तो यहाँ पर देखने के लिए टेंपल्स और आर्किटेक्चर लोग दुनिया भर से आते हैं। श्योर। बिल्कुल सर। वर्ल्ड फेमस है। बिल्कुल सर। फैंटास्टिक। कल मैं बृहस्पति कुंड गया था तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वहाँ से 30 किलोमीटर्स पे कालिंजर फोर्ट है, तो अगर मैं वहाँ चला जाता तो ऑब्वियसली मेरे को एक दिन के विंडो लेके जानी पड़ती थी, बट बहुत हिस्ट्री की जानकारी हमको वहाँ के मिल सकती थी। यस सर। चलो एनीवेज मिस कर दिया हमने। यस सर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते रहेंगे आपसे। यस सर। हाँ जी। मंदिरों की सीरीज में अगर हम देखें तो ये वाला जो आप देख रहे हैं सर, ये प्रतापेश्वर मंदिर है। प्रतापेश्वर मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन को शो कर रहा है।
हर एक रिलीजन का रिलीजियस आर्किटेक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप इसके स्टेप बाय स्टेप जो शिखर हैं उनको देखें तो पहला जो है वो डोम है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को शो कर रहा है, यानी इस्लाम का प्रतीक है। बीच का पगोडा जो बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड है, पगोडा के सेंटर में अगर आप देखेंगे जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये मॉडर्न कैथोलिक चर्च का है, और लास्ट का जैन और हिंदू आर्किटेक्चर है जिसका गुंबद ज्यादा बड़ी है। यस सर। और नीचे अगर आप आएंगे छोटे डोम के बीच में जो सेमी सर्किल वाला आर्किटेक्चर है ये गुरुद्वारे को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से भारतीय दर्शन जो है वो सर्वधर्म संभाव का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। बहुत बढ़िया। अभी हमारे राइट साइड में देखें आप लक्ष्मण टेम्पल है जहाँ हम जाएंगे। उसके पहले हम विजिट करते हैं वराहा टेम्पल की, जो मोनोलिथिक स्टैचू है, बहुत ही सुंदर कार्विंग है। इसमें सैंडस्टोन और ग्रेनाइट दोनों का यूज हुआ है। तो आप देखें प्लेटफॉर्म पूरा ग्रेनाइट पे बना हुआ, उसका यूज किया गया, और इसके ऊपर पूरा सैंडस्टोन का यूज किया गया जो लोकल स्टोन ना होके पन्ना वाली रेंज से यहाँ लाया गया। और पन्ना आप जानते ही हैं जो डायमंड्स के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ा फेमस है। वराह अवतार में देखें सर आप कि जहाँ पे भी वराह को दिखाया जाएगा वहाँ भू देवी का बड़ा कॉमन दिखाया जाना बड़ा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टैचू था ये भू देवी का था जो अब मिसिंग हो चुका है। आप देखें ये पायल पहने हुए और बिछुआ पहने हुए, टोरिंग्स पहने हुए उनका डिपिक्शन था। यहाँ पे एक डिवोटी बैठा हुआ था और डिवोशनल एटीट्यूड में यहाँ किंग ऑफ स्नेक जिनको शेषनांग बोला जाता है, तो यहाँ बहुत बड़ा कोबरा हेड था वो भी मिसिंग हो चुका है। तो ये वराह अवतार वैसे लेजेंडरी के अकॉर्डिंग जाएं तो 24 अवतार होते हैं, लेकिन अगर हम दशावतार की बात करें तो ये तीसरा अवतार काउंट किया जाता है। और बहुत सुंदर आपको कार्विंग मिलेगी, मुख में सरस्वती है, यहाँ पे टस्क के ऊपर अगर देखेंगे तो पार्वती और उस तरफ लक्ष्मी, 9 प्लैनेट्स टस्क के पीछे हैं दोनों ही साइड में, आंखों में सूर्यचंद्र, कानों में मधु एंड कैटव, डायरेक्शन डेटीज आपको अंडरनीज पे मिलेंगे देखने को। यहाँ पे नांग पुरुष के साथ रिवर गॉडेस जो नेक्टार पॉट्स लिए हुए हैं, सप्त ऋषियों का डिपिक्शन गले में मिलेगा। एक चीज बताइए घनश्याम जी। यस सर। ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी स्टोन है, क्या है? ये सर सैंडस्टोन है। तो सैंडस्टोन से ये बनाया गया और इतना बारीक काम किया गया और देख के लग रहा है ये सिंगल स्टोन ही है। यस सर, ये पूरा पेडस्टल से लेके ये पूरा एक ही पीस पे बना हुआ है। बहुत खूबसूरत, देखो इतना बारीक काम किया। एग्जैक्टली सर। अप्रोक्सीमेट वजन कितना होगा इसका? वजन तो सर बहुत सारे लोग, वैसे तो सर्टेनली हम नहीं बोल सकते, कोई इसको 16 टन बोलता है, कोई 10 टन, अप्रोक्सीमेटली 5-6 टन के ऊपर ही है। एग्जैक्टली सर। सोचो ना 5-6 टन का भी अगर हम एक एवरेज मान लें, इस वॉल्यूम का स्टोन पूरा बना लेने के बाद कैसे ऊपर चढ़ाया होगा उस समय? एग्जैक्टली 1000 ईयर्स पुरानी बात कर रहे हैं। सर मतलब लोकल स्टोन नहीं है ये, पन्ना वाली रेंज से लाया है जो काफी दूर है। तो इतने भारी पीस को जब कार्विंग नहीं हुई होगी तो भी और भी ज्यादा वेट रहा होगा इसका, तो ये कितना बड़ा टास्क, कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा यहाँ तक इसको लाना अपने आप में। पश्चिमी मंदिर समूह में दो मेन मंदिर माने जाते हैं, जिनमें लक्ष्मण मंदिर जो अपनी पंचायतन शैली को लेकर के आज इंटैक्ट मंदिर है। पंचायतन शैली आप देखेंगे एक प्लेटफॉर्म पे आपको 5 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। Correct. और पूरे सेंट्रल इंडिया में आज यही मंदिर एक ऐसा है जो इंटैक्ट इस शैली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पंचायतन वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टेम्पल का एंटायर स्ट्रक्चर ये ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो कई स्कॉलर्स इसको पंच महाभूतों से जोड़ते हैं। तो ये जो बॉडी है अगर आप कोई भी इसके पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये ह्यूमन बॉडी से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म जो है वो फुट है, स्टेप्स जो ऊपर जा रहे हैं वो उसका जंघा प्रदेश कहलाता है, एंट्रेंस कटी प्रदेश यानी कमर वाला हिस्सा, अंदर का स्टमक जहाँ मेन आइडल होता है वो हार्ट चैम्बर है, हृदय प्रदेश, और सबसे ऊपर जो राउंड शेप में स्टोन है जिसको चक्रिका और आमलक बोलते हैं ये उसका हेड है, और टॉप पे जो कोकोनट होता है वो उस वास्तु पुरुष की शिखा होती है। और वास्तु के अकॉर्डिंग अगर घर बनता है तो माना जाता है कि वो प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को देने वाला होता है हमेशा। तो अभी हम अंदर चले? यस सर। नाम लक्ष्मण लेकिन विष्णु को डेडिकेटेड है सर। अच्छा, मेरे को लगा कि ना लक्ष्मण जी का टेम्पल। हाँ, सबको लगता है कि भगवान राम के छोटे भाई का मंदिर है। तो लक्ष्मण वर्मन इस मंदिर के फाउंडर थे। 930 AD से 950 AD के बीच में इस मंदिर को बनाया गया, जिनका एक नाम यशोवर्मन भी था जो हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता है।
टेंथ सेंचुरी तक आते आते आर्ट जो है आर्किटेक्चर मंदिरों का वो अपनी ऊंचाइयों पे हो गया था, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर क्लासिफिकेशन आपको मंदिर में मिलेंगे। तो पंचायतन शैली में इसके अराउंड में 9 आले आपको मिलेंगे मंदिर के, जो मुख्य मंदिर होगा, जिसमें पहला आला जो है ये भगवान गणेश को डेडिकेटेड होता है। खजुराहो के मंदिरों में सुरा सुंदरियों का जो डिपिक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है। इनके साथ साथ उस समय की मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, उस समय कौन कौन सी चीज़ें यूज होती थी, ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही प्यारा देखने को मिलेगा। तो इंडिया की जो रिचनेस है वो इन मूर्तियों के द्वारा उस समय के पीरियड की दिखाई जा रही है। यहाँ पर आके ना ऐसा लग रहा है जैसे एक एक मूर्ति को आप ध्यान से देखो और उसके बारे में समझो। एग्जैक्टली सर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बारी में 10 मूर्ति देख लो, हर मूर्ति हमें कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर रही है। यस सर, कि आप एक मैसेज है सर, एक मैसेज है हर मूर्ति में। यस सर, खजुराहो के मंदिरों में 3 कैटेगरीज में विमेन के डिपिक्शन है। इसीलिए खजुराहो जो है इसके बारे में कहा जाता है विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ फीमेल ब्यूटी। तो मोस्टली विमेन के जो स्टैचू हैं उनमें आप देखें अप्सराओं के डिपिक्शन आपको लोटस फ्लावर लिए हुए मिलेंगे, जो हेवन को रिप्रेजेंट करने वाली है। हमारी सांसारिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपने देखा होगा पैर से कांटे को निकालती हुई, पत्र लेखन करते हुए, अंगड़ाई लेते हुए, ये सब सांसारिक हमारे जो उसको रिप्रेजेंट करती हुई वर्ल्डली क्रिएशन जो है। नाग कन्याओं का जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे अंडरवर्ल्ड को, यानी जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं, कई स्कॉलर्स इसको चक्रों के प्रतीक रूप में भी मानते हैं। तो माना जाता है कि ये मंदिरों में एनर्जी को जनरेट करती हुई डिपिक्ट की गई हैं। ये वाला जो भाग है ये महामंडप कहलाता है, और महामंडप ये डिबोटी के लिए होता है ऑलमोस्ट, जब यहाँ सोलो परफॉर्मेंस क्लासिकल डांस के होते थे तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं छोटा सा। बीच में देखेंगे ये स्थान गुरु का होता है जिसको अंतराल बोला जाता है, और गर्भगृह में रखा हुआ जो आइडल है भगवान विष्णु का, इनको बैकुंठ स्वरूप बोला जाता है। एक मैंने चीज़ नोटिस करी है अभी, जिस जगह हम खड़े हैं अंदर सनलाइट कम है, लेकिन उसके बावजूद इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि लाइट डायरेक्टली आप मूर्ति पे पड़ रही है। एग्जैक्टली सर, यही उस समय की इंजीनियरिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट आप देखें पूरे मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरे अराउंड में बालकनी विंडोज हैं फ्रेश एयर लाइट के लिए और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और ये जो लाइट है ये केवल सामने से ही नहीं आ रही है, ये हर एक पत्थर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो पिलर्स हैं, और ये सीधा मेन आइडल को इल्यूमिनेट कर रही है। बहुत खूबसूरत। ये सर कीचक कहलाते हैं, डिवाइन वर्कर्स माने जाते हैं ये विश्वकर्मा के, और ये मंदिर के भार को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। ये सर आप देखेंगे तो प्रदक्षिणा पथ है, भगवान विष्णु का जो मंदिर है गर्भगृह का ये प्रदक्षिणा पथ है, जिसमें आप देखें बहुत सुंदर आपको कार्विंग देखने को मिलेगी अप्सराओं के साथ, शार्दूल है, और यहाँ ये नर वराह का स्टैचू है जिसमें भगवान वराह का जो हेड है वो मिसिंग हो चुका है। चंदेल डायनेस्टी का ये एम्बलम है आप देख सकते हैं, जिसमें पहला हिस्टोरिकल किंग फाइट कर रहा है लायन के साथ। ये अपनी हार्ट की डेयरिंग शो कर रहे हैं कि दे वर नॉट कॉमन मैन, कि हार्ट की डेयरिंग वो थी जो लायन से फाइट करने वाली थी। नीचे वाले अगर आप प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको आर्मी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 3 कैटेगरीज में आर्मी है जो लॉन्ग बूट्स पहनी हुई डिपिक्ट की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एलिफेंट्री इन्फेंट्री। ये देखें ये ऑर्जी दिखाई गई है, विलास उत्सव का कॉन्सेप्ट है यहाँ। ऑर्जी मतलब बैटल जीतती है तो कामा एक्टिविटी को लेके जो सेलिब्रेशन है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको आर्मी का मिलेगा सर। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के साथ ये इरोटिक स्कल्पचर। यस सर, हर्बल मेडिसिन बनती हुई, अफ्रोडीजियाक उसकी पेसलिंग होती हुई, और ये देखें मसाज लेते हुए सेम टाइम में, कुछ एक्रोबैटिक डिपिक्शंस के साथ कुछ कॉमन पोजीशंस के डिपिक्शंस हैं। थोड़ी आगे आप देखेंगे कैमल्स के डिपिक्शन है। कैमल्स लोकल एरिया का एनिमल नहीं है, डेजर्ट का एनिमल है। करेक्ट। तो ट्रेड के रूट से पूरा इंडिया इंटरकनेक्टेड था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो ये मर्चेंट्स हैं तो यहाँ से ट्रेड के रूट्स गुजरते थे, तो समय समय पर जो मर्चेंट्स होते थे वो यहाँ से निकलते थे। तो आज जो हम जनरली हिस्ट्री में पढ़ते हैं मर्चेंट्स के बारे में, वो चीज़ यहाँ पर डिपिक्ट करी है सर। आप देख सकते हैं पूरी लंबी जो लाइन है
ये एलिफेंट्री का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलेगा। एक साथ हाथियों को चलते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। मोस्टली जो इंडियन, जो हमारे इंडियन किंग्स होते थे वो सबसे ज्यादा बैटल फील्ड में हाथियों का यूज करते थे उस पर बैठ के। लेकिन जो इन्वेजन हुए उनमें सबसे ज्यादा यूज इन्वेडर्स जो हैं वो घोड़े का करते थे। और कई कारणों से ये भी माना गया कि इंडियन महाराजाओं के डिफीट होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो दूर से दिख जाते थे कि ये महाराजा बैठे हुए हैं और इन्हीं को टारगेट किया जाना चाहिए। और वो इजी टारगेट होता था सर। अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, और घोड़े पे बैठे हुए जो सबसे पीछे वाली क्यू में और पैदल सेना सामने है तो उसमें राजा को पहचानना बहुत मुश्किल होता था। तो राजा को आप टारगेट ही नहीं कर सकते थे इजिली। सर, कंदारिया महादेव जो है ये मंदिर भी अपनी पंचायतन शैली में बना हुआ था। कॉर्नर के इसके चारों मंदिर आज मिसिंग है। सर, ये आप देखें अंदर का वैसा ही प्रोपोर्शन है जो हमने लक्ष्मण में देखा था। अर्थमंडप, मंडप, फिर ये आता है महामंडप, अंतराल एंड गर्भगृह और उसका एम्बुलेटरी पाथ जिसको प्रदक्षिणा बोलते हैं, वही कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये पंचायतन में बना था तो वो इंटैक्ट मंदिर है, इसकी कुछ चीज़ें मिसिंग हो चुकी हैं जैसे बाहर के टेम्पल्स मिस करते हैं। यस सर। और ये महादेव को डेडिकेटेड है, नाम कंदारिया महादेव है, क्योंकि दूर से देखने पर इसका एंट्रेंस ऐसे लगता है जैसे कोई केव हो, कोई कंदरा हो। कंदरा बोलते हैं। यस सर। और टेम्पल का स्ट्रक्चर एज इट इज़ माउंटेन वाला लगता है। ये देखें आप, यहाँ पे इंद्र अपनी अर्धांगिनी सची के साथ, उसके बाद आपको यहाँ भैरव का डिपिक्शन देखने को मिलेगा, तो उसके बाद आप देखें तो शाम्ब सदाशिव का डिपिक्शन है और यहाँ पे ये कार्तिकेय का डिपिक्शन है। ये सर माँ जगदम्बा टेम्पल है जो निरंधार शैली में बना है। अभी तक हम पंचायतन शैली के मंदिरों को देखते आए हैं। निरंधार शैली में सर मंदिर का आकार छोटा हो जाता है और इसमें गर्भगृह की जो प्रदक्षिणा है वो प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। अच्छा। और दो जगह से वातायन होता है साइड से, उसमें आपने देखा था कई जगह से वातायन था। वातायन मतलब एयरफ्लो, प्रकाश। यस सर। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही नवरात्रियों में आज ये मंदिर एक्टिव रहता है, यानी कि यहाँ पे नवरात्रियों के समय पे पूजा होती है। अच्छा। ये सबसे खास बात है इस मंदिर की। अच्छा। यहाँ पे सर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है जो डायरेक्शन डेटी है और धन के देवता भी कहलाते हैं, कुबेर। कौन सा स्टैचू है उनका? ये वाला सर, पहला ही स्टैचू। कुबेर का जो झोला बैग होता है वो मंगूस यानी नेवले की स्किन का बना हुआ होता है। और ट्रेजर पॉट कुबेर के साथ होना बड़ा आम होता है। तो वो नीचे आप देखें पैरों के पास दिख रहा है, धन का कलश रखा हुआ है। कुबेर का पेट भी भगवान गणेश के तरीके से होता है, थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये भी धन के देवता हैं तो रिचनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कुबेर डायरेक्शन डेटीज कहलाते हैं, नॉर्थ इनकी डायरेक्शन है तो डेफिनेटली आप देखें। अच्छा, जनरली भगवान कुबेर का स्टैचू कहीं भी होता है वो नॉर्थ को फेस करता है। यस सर, क्योंकि टॉप ऑफ हिमालय में तिब्बत के पास कुबेर की अलकापुरी मानी जाती है जो उनका स्थान है। इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर। कुबेर का स्थान पहले कभी श्रीलंका में होता था, बाद में जो रावण की जो सोने की लंका थी वो बेसिकली रावण की नहीं थी, वो कुबेर की थी। पुष्पक विमान भी कुबेर के ही पास था जो रावण ने छीन लिया था। अच्छा। और रावण शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो रावण कुबेर का भाई है। अच्छा। यस सर। तो इसकी शिकायत जब वो अपने पिता से करते हैं तो पिता उनको समझाते हैं कि तुम यक्ष हो, तुम्हारा रहना यहाँ सही नहीं है। अब तुम जितना भी वर्ष में जितना भी कलेक्शन करोगे वो वर्ष में एक दिन आके रावण तुमसे फिर छीन लिया करेगा। तो कुबेर रावण से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो श्रीलंका से हिमालय तक की दूरी तय करते हैं और वहाँ हिमालय की ऊंचाइयों पे अलकापुरी बसाते हैं और वहाँ पे वो अपना नाम मणिभद्र रखते हैं। बड़ा आपके पास डीप लेवल पे जानकारी है सर। थैंक यू सर।
एक्चुअली आप लोग को स्कॉलर्स भी मिलते हैं आप yes, प्लस sir. अपने सीनियर लोगों से बात करते exactly, हो लोकल कथाएं कथाओं yes, पे भी समझते हो कि yes, आप सामने देख सकते हैं इसी के साथ ही बना हुआ सी लाइन में सूर्य मंदिर है जो भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है, लेकिन नाम इसका चित्रगुप्त है क्योंकि भगवान सूर्य के साथ यहाँ चित्रगुप्त को दिखाया गया है। तो पहले प्रेसिडेंट हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि चित्रगुप्त हमेशा यम के साथ होते हैं और यहाँ ये सूर्य के साथ हैं, तो क्यों ना ये स्टैचू बड़ी अनोखी है, तो क्यों ना इस मंदिर का नाम सूर्य मंदिर के साथ साथ इसको चित्रगुप्त के नाम से भी जाना जाए। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा इस मंदिर का रेस्टोरेशन किया गया, आप देख सकते हैं पूरा एंट्रेंस पोर्च ही नया ASI के द्वारा बनाया गया है, ऊपर का बहुत सारा पार्ट पूरा रेस्टोर्ड है। और सबसे ज़्यादा अगर स्टैचू डिफेस हैं किसी मंदिर के तो वो इस मंदिर के हैं। नंदी के साथ भगवान शिव का होना बहुत ही आवश्यक होता है और खजुराहो का एकमात्र ये विश्वनाथ मंदिर ऐसा है जिसके सामने आज आपको नंदी देखने को मिल रहा है। इवन जो एक्टिव मंदिर भी है मतंगेश्वर महादेव का, जिसमें बड़ा विशाल काय शिवलिंग है, उसके सामने आज नंदी नहीं है, मिसिंग हो चुका है। कंदारिया महादेव हमने देखा, उसके सामने भी नंदी नहीं था। इवन किसी भी शिव मंदिर में नहीं है, केवल एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा मंदिर है खजुराहो का जिसके सामने आपको नंदी देखने को मिल रहा है और सामने उनके भगवान विश्वनाथ। नंदी के भाव देखें आप, साइड से देखेंगे तो नंदी का चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई देगा, ये देखें आप। अनफॉर्चुनेटली जो हॉर्न हैं और ये जो नंदी के जो कान हैं ये मिसिंग हो चुके हैं अब। और ये भी देखने से पता लग रहा है कि सिंगल स्टोन से बना। एग्जैक्टली सर, ये देखें पेडेस्टल से लेके ये पूरा एक ही पीस पे बना हुआ है। अति सुंदर, अति सुंदर। नंदी के शरीर में जो बेल्ट है वो देखें, इसमें कीर्ति मुख बना हुआ है। साउथ में कीर्ति मुख का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, कोई भी देवालय बिना इसके कभी पूर्ण नहीं माना जाता, ऐसी मान्यता है। और जब भी कोई नया घर बनता है तो आपने देखा होगा साउथ में ऑलमोस्ट इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, एक डीमन का जो मुखौटा है वो ऊपर रख दिया जाता है मकान के, जो हमेशा ही नज़र लगने से बचाता है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर आते ही ना हमें दो रॉक इंस्क्रिप्शन दिख रही हैं। अब ये तो ऑब्वियस है, ये भी yes, उसी समय के 9th to 12th century के बीच की। एग्जैक्टली सर। तो जैसा इन्होंने आपने पहले रेफरेंस किया था कि यहाँ पर अक्षर अक्षर जोड़ जोड़ कर सेंटेंस बनाया गया। एग्जैक्टली सर। वर्ड शब्द नहीं है। एग्जैक्टली सर। गैप क्योंकि सबके बीच में बराबर है। बिल्कुल सर। और ओम नमः शिवाय से स्टार्ट किया गया है, विज्ञप विकट वटानम, ये पूरा तो भाषा वगैरह संस्कृत है सर। रॉक इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे दो शिवलिंग के बारे में भी लिखा गया है, एक मरकतमणि शिवलिंग जो एमरल स्टोन पे बना हुआ था और ये सैंड स्टोन पे बना हुआ, तो समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिस हुई तो वो भी। अच्छा, एक शिवलिंग मिसिंग है। यस सर, ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिखा कि दो थे। एग्जैक्टली सर, केवल सैंड स्टोन पे बना हुआ शिवलिंग ही रखा हुआ है। और नंदी ठीक सामने होते हैं शिव के, तो आप देखेंगे भगवान शंकर के सामने ही आपको सीधे नंदी दिखाई दे रहे हैं। हमारा ना खजुराहो टेंपल विजिट यहीं पे फिनिश कर रहे हैं हम। आमतौर पे आप जानते हैं हम कैसे करते हैं कि पूरे दिन की जो जर्नी होती है ना उसका एक एपिसोड बनाते हैं, लेकिन अभी कैसा ये ऑलरेडी हमने जो रिकॉर्डिंग कर ली है मुझे लगता है 25 मिनट से ऊपर का रिकॉर्डिंग है, तो बेहतर रहेगा ये वाला एपिसोड हम करें एक, और दूसरा पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द डे जो हम वाटरफॉल विजिट करने जा रहे हैं, लोकल फूड यहाँ पर खाने जा रहे हैं, लोकल फूड तो नहीं बोल सकते लेकिन एक रेस्टोरेंट विजिट कर रहे हैं, वो हम अलग एपिसोड में शो कर दें, हमारे लिए वो बेहतर रहेगा, अदरवाइज एक लेंथ ऑफ द एपिसोड बढ़ जाएगी। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर वन, अगर आप खजुराहो आ रहे हैं तो गाइडेड टूर के बिना मीनिंग नहीं है। टूर गाइड की जो कॉस्ट होती है 4 hours के हिसाब से, मतलब वर्किंग डे अगर 8 hours का माने तो 1500 rupees, मैं सही बोल रहा हूँ, 1800 rupees सॉरी, और 2200 फॉर अ 8 hour पीरियड, ठीक है ना? एग्जैक्टली सर। तो अब इनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो सेकेंड हाफ ऑफ द डे भी आप हमारे साथ ही बिता लीजिए, उससे क्या कि हमें भी थोड़ी गाइडेंस हो जाएगी
रानी फॉल जाएंगे ना, तो वहाँ पर हो सकता है हम कुछ पॉइंट्स मिस कर दें, तो इनके होने से वो मिस आउट नहीं होगा. तो ही इज़ ओके विद दिस. तो अभी आपके साथ हम लंच करने चलेंगे जो हमारे अलग एपिसोड में आएगा. तो अभी ये एपिसोड एंड करने से पहले आपको बाय बाय, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी. थैंक्स फॉर योर टाइम.